अगर आपको भी डार्क अंडर आर्म्स की प्रॉब्लम है तो आज हम इसी को ट्रीट करने के लिए 100% इफेक्टिव रेमेडी लेकर आए हैं। और जो रेमेडी हमने बताई है उसको एग्जैक्ट फॉलो करना, ये 100% सेफ है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाले। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू हेल्थी इंडिया चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे डार्क अंडर आर्म की प्रॉब्लम को कैसे हम घर पर सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। डार्क अंडर आर्म की प्रॉब्लम ज्यादातर सभी लोग फेस करते हैं और ये सिचुएशन बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाती है और इसकी वजह से हम अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके कारण को जानेंगे, यानी हमारे अंडर आर्म डार्क क्यों हो जाते हैं और इसे हम कैसे होम रेमेडी के थ्रू 100% ट्रीट कर सकते हैं, ये जानेंगे। देखिए, डार्क अंडर आर्म की प्रॉब्लम हो या फिर डार्क नी की प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम हमें बार बार एम्बैरेस करती है। इसके पीछे कई रीजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से भी वो एरिया डार्क हो जाता है, वहाँ डेड सेल्स क्रिएट हो जाती है, या फिर आप प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं रहते जिसकी वजह से आपकी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव नहीं हो पाते, या फिर इसके पीछे एक और बड़ा रीजन है, आप डीओ का एक्सेसिव यूज करते हैं, क्योंकि डीओ में जो केमिकल यूज होते हैं ये हमारी स्किन को धीरे धीरे डार्क करते हैं। कई बार तो ये सिचुएशन आपकी कई डिजीज की वजह से भी होती है, इसलिए अगर ये होम रेमेडी के थ्रू ट्रीट ना हो तो आप किसी स्किन के एक्सपर्ट को इसे दिखाएं ताकि वो इंटरनली प्रॉब्लम को एग्जामिन कर पाए। तो ये सब तो हमने इसके रीजन पर बात करी, अब हम बात करते हैं होम रेमेडी की जो 100% इफेक्टिव है इस अंडर आर्म की प्रॉब्लम को ट्रीट करने में। देखिए, हम आज एक रेमेडी के बारे में नहीं जानेंगे बल्कि 3 रेमेडी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है और हर किसी की स्किन टाइप भी अलग अलग होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी होम रेमेडी उन पर वर्क करती है। हो सकता है एक रेमेडी आप पर वर्क ना करे तो बिल्कुल भी ना घबराएं, आप दूसरी रेमेडी फॉलो करें, हो सकता है आपकी स्किन के लिए दूसरी रेमेडी बनी हो। देखिए, स्किन का कलर डार्क है या लाइट ये डिपेंड करता है मेलानिन पिगमेंटेशन पर। डार्क अंडरआर्म की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में तब भी होती है जब हमारा ओवरवेट हो, उस कंडीशन में भी डार्क अंडरआर्म जैसी प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है। इसलिए आप अगर ओवरवेट हैं तो उस कंडीशन में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो इजीली कट हो पाए। प्लस डार्क अंडरआर्म की प्रॉब्लम डायबिटिक पेशेंट को या फिर अगर हार्मोन इम्बैलेंस है उस कंडीशन में भी ये बहुत कॉमन है। आज की ये रेमेडी उस एरिया की डेड स्किन को रिमूव करेगी, लेकिन अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपको अपने नजदीकी स्किन एक्सपर्ट को दिखाना होगा। देखिए, रेमेडी पर बात करने से पहले हम कुछ पॉइंट ऐसे जानेंगे जो हमें अवॉइड करने चाहिए। जैसे कि अगर आप अल्कोहल या टुबैको का इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में आपको इसे अवॉइड करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। प्लस अगर आपको टाइट क्लॉथ पहनने की आदत है तो आपको ये अवॉइड करना होगा, आपको नेचुरल फैब्रिक का इस्तेमाल करना होगा, इंश्योर करें अंडर आर्म का एरिया ड्राई और क्लीन रहे। इन सब बातों को जानने के बाद अब हम अपनी रेमेडी पर बात करते हैं जो कि 100% इफेक्टिव है। इस रेमेडी के एक बार यूज करने के बाद ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो हमारी फर्स्ट रेमेडी को बनाने के लिए आपको एक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि टूथपेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट पाया जाता है, ये डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा लेमन जूस। लेमन जूस में क्लींजिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये एंटी माइक्रोबियल है जो कि उस पार्ट को बैक्टीरिया फंगस के इन्फेक्शन से बचाएगा। नेक्स्ट हमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। बेकिंग सोडा बेस्ट स्क्रबर है, इसे डालने से डेड सेल्स इजिली रिमूव हो जाती है। इसके अलावा इस मिक्सचर में हमें हल्दी को ऐड करना होगा। हल्दी में जैसा सभी को पता है एंटी माइक्रोबियल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसमें एक्टिव कंपाउंड कर्क्यूमिन होता है, ये स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करेगा। अब इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करके अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करें। इस रेमेडी को आप अंडर आर्म, नी, एल्बो, नेक इन सब को क्लीन करने में कर सकते हैं। ये 100% इफेक्टिव रेमेडी है। इसके एक बार के इस्तेमाल से ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं, इसलिए इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें। इसे लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसे अप्लाई करने के बाद आप लेमन से हल्के हल्के रब करें। इसे ज्यादा जोर से रब ना करें क्योंकि वहाँ की स्किन ऑलरेडी बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए हल्के हाथों से इसे रब करें। और जब ये पेस्ट ड्राई हो जाए तो उसे वार्म टॉवल से ही रिमूव करें। इस रेमेडी में नींबू का इस्तेमाल किया गया है और काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्किन पर नींबू को अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको नींबू से एलर्जी होती है। इसलिए हम नेक्स्ट रेमेडी के बारे में बात करेंगे जिसे वो लोग इजिली अप्लाई कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत इजी है। आप एक कच्चे आलू का पेस्ट बनाकर
उसमें एक टमाटर के पेस्ट को ऐड करें। इसके बाद इसमें बेसन और हल्दी को ऐड करें और इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करें। देखिए, आलू में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये हमारी स्किन को नेचुरली ब्राइट करता है। नेक्स्ट हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है। टमाटर हमारी स्किन के लिए बेस्ट माना गया है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और डेड सेल्स को इजिली रिमूव करता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर बेसन और हल्दी को ऐड किया है, यानी ये आपकी डेड स्किन को इजिली रिमूव करेगा और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। तो इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करें और अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करें। इस रेमेडी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 100% सेफ है। ये आपके फेस के डेड सेल्स को भी रिमूव करेगा और आपकी स्किन को शाइनी और ग्लोइंग बनाएगा। ये याद रखें, इसे भी ठीक वैसे ही अप्लाई करना है जैसे हमने फर्स्ट रेमेडी को अप्लाई करने का तरीका बताया था। सबसे पहले आपको वार्म टॉवल को ले करके थोड़ी देर अफेक्टेड पार्ट पर रखना है ताकि वहां के पोर्स ओपन हो जाए और डेड सेल्स इजिली रिमूव हो पाए। नेक्स्ट आपको पेस्ट को अप्लाई करना है और जब ये पेस्ट ड्राई हो जाए तो उसे ल्यूक वार्म वाटर से वॉश करना है। ये रेमेडी भी बहुत इफेक्टिव है। या फिर इसकी जगह पर कॉफी स्क्रब को अप्लाई करें। इसे अप्लाई करना बहुत ही इजी है। आपको थोड़ी सी कॉफी लेकर उसमें शुगर पाउडर को ऐड करना है और इसका पेस्ट बनाकर अफेक्टेड पार्ट पर अप्लाई करें। ये सभी रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है। इसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलेगा। आप एक बार के इस्तेमाल से ही इसका रिजल्ट इजीली देख सकते हैं। इसलिए अपनी अंडर आर्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मार्केट के कोई भी केमिकल क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ होम रेमेडी के थ्रू ही इसे 100% ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, इस रेमेडी के अलावा अगर आप अपनी स्किन को हमेशा ग्लोइंग और शाइनी बनाना चाहते हैं तो अपनी डाइट में हेल्दी फूड को शामिल करें, क्योंकि हमारी स्किन तभी ग्लोइंग और शाइनी बनेगी जब हम हेल्दी फूड लेंगे और प्रॉपरली हाइड्रेट रहेंगे। इसलिए इन सभी रेमेडी को फॉलो करने से पहले अपनी डाइट पर जरूर फोकस करें। सो फ्रेंड, आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर आए। सो फ्रेंड, दैट इज इट फॉर द डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।